हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चकास। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज पबजी मोबाइल के अंदर अभी हम लोगों की यहाँ पे M21 की रॉयल पास चल रही है, बट बहुत ही जल्दी यहाँ पे ख़त्म होकर आपको M22 की रॉयल पास देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइमिंग बताऊंगी कि M21 की जो रॉयल पास है वो आखिर एंड कब होगी, कब उसके ऊपर लॉक लगेगा और कब आप लोगों को M22 की न्यू रॉयल पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे रॉयल पास के अंदर चले जाना है। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक टाइमिंग दिख रहा होगा जो कि 21:03 से लेके 19:04 तक का है। तो गाइज ये वाला जो टाइमिंग है वो अभी हम लोगों का M21 रॉयल पास का है। तो M21 की जो एंड टाइपिंग यहाँ पे लिखी है वो 19 तारीख का दिन गाइज यहाँ पे लिखा है 19:04। इसका मतलब गाइज साफ साफ यहाँ पे यही है कि अगर आप लोगों के अभी तक M21 रॉयल पास में 50 RP करना बाकी हो, या फिर आप लोगों की हो गई हो और एक्स्ट्रा RP पॉइंट यूज़ करना बाकी हो, या रॉयल पास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप लोगों की बाकी हो ना, वो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए आप लोगों के लिए लास्ट दिन यहाँ पे रहेगा 19 तारीख का, ठीक है। 19 तारीख को पूरे दिन गाइज आप लोग रॉयल पास से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे 20 तारीख हो जाएगी तो 20 तारीख को सुबह 5:30 बजे गाइज हम लोगों की M21 की रॉयल पास है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ठीक है। 20 तारीख को सुबह 5:30 बजे ही आप लोगों को M21 की रॉयल पास एंड होते हुए देखने को मिल जाएगी, रॉयल पास पे यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे M21 से रिलेटेड आप लोग कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि 20 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक यहाँ पे जो RP है वो लॉक रहेगी, मतलब कि टोटल 2 घंटे के लिए यहाँ पे लॉक रहेगी। और जैसे ही यहाँ पे 7:30 बज जाएंगे ना तब आप लोगों को M22 की रॉयल पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो M22 रॉयल पास का हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग टाइमिंग देखें तो गाइज़ वो हम लोगों का यहाँ पे 20 तारीख का 7:30 बजे का है, ठीक है। 20 अप्रैल को 7:30 बजे आपको M21 की रॉयल पास देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़ यही M21 का एंड और यहाँ पे M22 का स्टार्टिंग टाइमिंग है। अब गाइज यहाँ पे बात हम लोग करते हैं रैंक पुश की और सीज़न की। तो गाइज आप सब जानते ही हो कि सीज़न तो हम लोगों की हमेशा 2 महीने की ही रहती है। तो आप लोग देखो 21 मार्च से यहाँ पे सीज़न स्टार्ट हुई थी जो कि 20 मई तक यहाँ पे चलने वाली है, मतलब एक और महीने गाइज यहाँ पे सीज़न रहेगी। तो आप लोगों की रैंक पुश बाकी हो तो आप लोग कंटिन्यू रैंक पुश कर सकते हो। इस बार आप लोगों की सिर्फ रॉयल पास रिफ्रेश होगी, जो यहाँ पे सीज़न है वो तो एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सीज़न हम लोगों की 2 महीने की होती है। आप लोगों को यहाँ पे जो न्यू सीज़न है C4S12 तो वो आप लोगों को 21 तारीख को यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि 21 मई, अभी इसके अंदर 1 महीना पूरा आप लोगों का बाकी रहेगा। तो चले गाइज यही मुझे आप लोगों को टाइमिंग वीडियो के अंदर बताना था। अगर आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। और गाइज आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा तो इवेंट के ऑप्शन में यहाँ पे होला बड़ी करके इवेंट आई है जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, बट आई थिंक सो कि बहुत से लोगों पे नोटिफिकेशन नहीं गई है तो इसके अगले वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने फुल डिटेल एक्सप्लेन कर दी है। चले गाइज मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।